भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराने के नियम। ये नियम 26 जनवरी 2002 से लागू है। आइए क्या है ये नियम जानते हैं। ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जहां से स्पष्ट दिखाई दे। सरकारी भवन पर सप्ताह के सातों दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाए। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय अगर बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। जब ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। अगर ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज वक्ता के दाहिनी ओर हो। अगर ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या गाड़ी के दाईं ओर लगाया जाए। फटाया मैला ध्वज नहीं फहराया जाए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाए और ना ही बराबर में। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं होना चाहिए। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। ध्वज का प्रयोग किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में नहीं किया जा सकता। इसे तकियों, रुमालों, नैपकिनों या किसी ड्रेस पर कढ़ाई या प्रिंट भी नहीं किया जा सकता। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श को छूने या पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा। झंडे को जानबूझकर केसरिया रंग नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराया जा सकता। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दे के रूप में नहीं किया जा सकता। झंडे का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। झंडे को प्लास्टिक या कागज का बनाकर नहीं फहराया जा सकता। कुछ बदलाव हुए हैं इस सन 2022 में, जब हम अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तब एक अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने झंडा के नियमों में कुछ बदलाव किए। क्या है वो बदलाव? राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटा और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा, या कपास या पॉलिएस्टर या ऊन या रेशमी खादी से बना होगा। अब नियमानुसार तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति। तो ये रहे हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराने से संबंधित नियम जो कि भारत सरकार ने बनाए हैं और समय समय पर बदलाव किए हैं। तो जब भी आप तिरंगा झंडा जहां कहीं भी फहराएं या लगाएं तो इन सभी नियमों का अक्षरशः पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें।
जय हिंद, जय भारत।